हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल सिंह चौहान केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज अपना जो नया वीडियो है वो वीडियो है एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के माउथ पार्ट से रिलेटेड। तो इंसेक्ट के माउथ पार्ट जो होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए पहले मैं उसके हेड के बारे में थोड़ी जनरल स्टडी करना चाहूँगा। मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको, एक इंसेक्ट कॉकरोच का डायग्राम बनाया है। ये कॉकरोच में अपन बेसिक आइडिया लेते हैं और उसके बाद में हमें बहुत कम पढ़ना होगा। माउथ पार्ट के बारे में बहुत इजी वे वीजी में पढ़ के जाएंगे। मैक्सिला, मैक्सिला, मैंडिबल और लेबियम और लेब्रम क्या होते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है अगर हमारे पास कंपटीशन एमएससी में तो हमें आराम से सॉल्व हो जाएगा वो। तो मैं आपको पहले माउथ पार्ट की बात करने से पहले मैं आपको एक हेड के बारे में बिल्कुल सरफेसली नॉलेज देना चाहूँगा कि किसी भी इंसेक्ट जो एक हॉरिजॉन्टली चलता है, उस हॉरिजॉन्टली चलते हुए आपकी तरफ आते हुए किसी इंसेक्ट को जो चल के आ रहा है आपकी तरफ, तो उसका जो सबसे पहले दिखने वाला पार्ट होगा सिर का, वो ऐसा कुछ होगा। ये एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, ये होगा वर्टेक्स, यानी कि उसके सिर के ऊपर जो हार्ड जो लेयर बनी, हार्ड जो सब स्ट्रक्चर बनी है वो कहलाती है वर्टेक्स, ठीक है। और इसके बिल्कुल नीचे, जैसे ये वर्टेक्स है तो इसके जस्ट नीचे वो कहलाती है फ्रॉन्स। क्या कहलाती है? फ्रॉन्स। अब देखना ऐसा कुछ होता है इंसेक्ट, आपने ऐसा किया, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फ्रॉन्स, और इस फ्रॉन्स के बगल में इसके दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी गद्दीदार स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? जीना। जीना या इसे इसके बोलते हैं गाल, चिक्स, चिक्स, ठीक है। तो अगर हम बोले इंसेक्ट के चिक्स, जो चिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलने वाले हैं? जीना, ठीक है। इंसेक्ट के चिक्स जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? जीना, ठीक है। तो उनके गाल जो है इंसेक्ट के उनको क्या बोलते हैं? जीना, ठीक है। अब देखें और बात करते हैं किसकी, कि अगर हम इससे और नीचे के स्ट्रक्चर में जाए, अगर मैं ऐसे बोलू तो यू मान के चलू ये दो उंगलियां, अगर मैं इनको फोल्ड थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देता हूं, ऐसे मोड़ देता हूं, ये लास्ट फिंगर को मैं ये मान लू और थंब को मैं फर्स्ट फिंगर मान लू, तो इन दोनों को मैं ऐसे मोड़ दू, तो ये जो स्ट्रक्चर मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो कहलाती है वो कहलाती है डियर मैंडिबल्स। क्या कहलाती है? मैंडिबल्स, ठीक है। उस मैंडिबल्स के, मैंडिबल जो लिखा है मैंने, इस मैंडिबल्स के नीचे लास्ट में ये जो टिप है इन इस फिंगर के और थंब के, ये कहलाते हैं लेब्रम। क्या कहलाते हैं? लेब्रम, ठीक है। अब देखो ये लेब्रम कैसे है, ये लेब्रम ऐसे है, ये दोनों फिंगर और दोनों फिंगर को मैं कवर कर दूं इस पेन से, ये पेन से, तो लेब्रम क्या होगा? इस पेन का एक कैप, कैप और ये दोनों आपके स्ट्रक्चर जो है मैंडिबल्स, ये दोनों मैंडिबल्स के बीच में जो ये इतनी सी स्ट्रक्चर दिख रही है ये जुड़ी हुई होगी, ये कहलाएगी क्या? मैंडिबल्स। तो क्या स्ट्रक्चर बनी? बिल्कुल सिंपल से बनी। हमने देखा कि यहां से यहां तक ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो कहलाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स के नीचे आएगा फ्रॉन्स, फ्रॉन्स के नीचे जब ये साइड में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो है ये इसके कहलाते हैं गाल, जो हम बोल रहे हैं जीना, ठीक है। उससे नीचे जाए तो सॉलिड स्ट्रक्चर होगी, सॉलिड होगी, ये बिल्कुल सॉलिड केराटिनाइज्ड होगी, केराटिनाइज्ड सॉलिड स्ट्रक्चर होगी, और ये दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है डियर मैंडिबल्स, मैंडिबल्स, जबड़ा, इसको हम बोल सकते हैं जबड़ा, ठीक है। ये जबड़ा कौन सा? बाहर वाला जबड़ा, ठीक है, और ये मैंडिबल्स होंगे बाहर वाला जबड़ा। तो इस जबड़े के पीछे के साइड, इस जबड़े के पीछे के साइड, जैसे मैंने इस मैंडिबल को यहां बोला तो ये मैंडिबल है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को पलट दूं तो और केवल इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां इसको वापस करने पर ये तो स्ट्रक्चर है वो तो रहेगी कौन सी? मैंडिबल्स। और मैंडिबल्स के बिल्कुल पीछे, इसके जस्ट पीछे, यानी कि यहां पे होगा कहीं, और वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको डार्क की है, ये कहलाती है क्या? मैक्सिला। क्या कहलाती है? मैक्सिला। तो ये हो गया मैंडिबल्स, ये हो गए मैक्सिला। तो हमने क्या बोला? ये तो है मैंडिबल्स, और इसके पीछे एक उंगली है, एक और अगर मैं ऐसे उंगली रखूं तो ये पीछे वाली जो उंगली है ये कहलाती है क्या?
मैगजिला। तो ध्यान से समझो, हमें मैंडिबल्स और मैगजिला दो चीज समझ में आई। और अब हमने बोला था मैंडिबल्स जो होती है, मैंडिबल्स में अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मैंडिबल्स के बीच की जो स्ट्रक्चर है ये लूज होगी, बहुत गद्दीदार होगी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, लेबियम। क्या बोलेंगे, लेबियम। ठीक है, क्या बोलेंगे क्लियर, सॉरी इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलने वाले, लेब्रम। क्या बोलेंगे हम, लेब्रम। क्या बोला मैंने, इस मैंडिबल के बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्या, लेब्रम। ठीक है, और इसके बिल्कुल पीछे के साइड जो स्ट्रक्चर आएगी, इसके पीछे यानी कि आपको एक जीभ की तरह दिखाई देगी, वो कहलाएगी क्या, लेबियम। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है कि किसी भी इंसेक्ट के एक कॉमन एग्जांपल को लेके चले तो हमारे पास लेबियम, मैगजिला, मैंडिबल, लेबियम और लेब्रम के बारे में आइडिया लगता है हमें। अब हम बात करते हैं इसकी आई साइट के बारे में। तो देखिए, किस इंसेक्ट के अंदर, हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में, इंसेक्ट में तीन तो सिंपल आई होती है, जो डॉटेड दिख रही है आपको, तो ये त्रिनेत्रधारी है। क्या है, तीन आंखें हैं इसकी, तीन आंख, और वो आंखें भी दो प्रकार की होती है, उनमें से एक है सिंपल आई और उनकी काउंटिंग कितनी है, तीन। ये काम करती है किसके लिए, लाइट सेंस के लिए। किसके लिए, लाइट सेंस। ठीक है, और ये इसके पास में जो आपको दो डार्क स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, उनमें डॉट डॉट भी लगे हुए हैं, ये कहलाती है इसकी कंपाउंड आई। क्या कहलाती है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई वन पेयर होती है, एक पेयर में होती है, एक और एक, ये दोनों ही कंपाउंड आई। इन कंपाउंड आई के बीच में बहुत सारे डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं क्या, ओमीटीडिया। क्या बोलते हैं इसे, ओमीटीडिया। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको ये हटा के लिखूं, ये है स्ट्रक्चर कौन सी, ओमीटीडिया। तो हम बोले हैं आपसे कि एक इंसेक्ट को दिखाई किससे देता है, तो वो दिखाई देता है ओमीटीडिया से, यानी कि उसके पास छोटी 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 बहुत सारी आंखें हैं, और बहुत सारी आंखें एक मिलके क्या बनाती है, कंपाउंड आई, उससे वो देखता है। ठीक है, और लाइट के बारे में सेंस करती है कौन सी, सिंपल आई। हमारे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो क्या पूछा जाए, कि एक इंसेक्ट किससे देखता है, किन कौन से स्ट्रक्चर से देख पाता है, ओमीटीडिया से। ठीक है, ओमीटीडिया से देख सकता है। चलो ठीक है, तो हमने एक बिल्कुल बिल्कुल सरफेस आइडिया लिया किसका, कि इंसेक्ट में कौन सा पार्ट क्या है। अब हम बात करते हैं किनकी, मैगजिला की। पहला बात करते हैं मैगजिला और मैंडिबल की। ठीक है, तो देखिएगा, मैंडिबल ऊपर वाली, बाहर वाला जबड़ा का मतलब हो गया ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये तो कहलाएगी क्या, इसकी मैंडिबल्स। तो मैंडिबल्स होते कितने हैं, वन पेयर। क्या होते हैं, वन पेयर। कितने पेयर, वन पेयर, इसका मतलब कितने नंबर, दो, ये हो गए दो। ठीक है, दूसरी बात, इसके पीछे जो होगा वो होगा क्या, मैगजिला। क्या होंगे, दूसरा क्या होगा, मैंडिबल्स। सॉरी, आप एक बार देखिएगा फिर से, हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चर जो है बाहर वाली, वो तो कहलाएगी क्या, मैंडिबल्स। क्या कहलाएगी, मैंडिबल्स, और एक स्ट्रक्चर कहलाएगी क्या, मैगजिला। क्या कहलाएगी, मैगजिला। तो ये हो गया मैगजिला और ये हो गए मैंडिबल्स, ये हो गए मैंडिबल्स, ये हो गए मैगजिला, और इनके इनके बीच में मैगजिला के बीच में क्या कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है, लेबियम, जो पीछे की साइड होगी, और मैंडिबल्स के बीच में कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है, लेब्रम। ठीक है, तो हम इनको बिल्कुल सिंपल सी आइडिया लेते हैं, मैगजिला। आप देखो कैसे काम करता है इंसेक्ट, कैसे काटता है, कैसे खाता है। इंसेक्ट का ये मुंह हुआ, इंसेक्ट पहले क्या करता है, पहले अपना मुंह खोलता है, मुंह खोलते ही उसके अंदर जो है मैगजिला जो होते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं। ये मैगजिला की दो स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर यानी कि अंदर की दो उंगलियां एक बार बाहर आएगी, मुंह खुलते ही बाहर आएगी, और बाहर आते ही किसी चीज को कट करेगी और अंदर ले जाएगी। ठीक है, अंदर दे दिया, अंदर देने के बाद मैगजिला कट कर देगा, तो अब उसके बाद में जो खाना उसने अंदर लिया, मुंह खोलने के बाद में उसने मैगजिला से किसी चीज को कट किया और अंदर ले गया, अंदर ले जाने के बाद अब अंदर जो उसको ले जाने के बाद में उस खाने को क्रश करना है,
क्या करना है, क्रश करना है उसे, यहीं पे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। तो वो काम करता है कौन, बाद में कौन क्रिएट करता है, मैंडिबल्स। ठीक है, तो कट किया मैक्सिला, मैक्सिला ऐसे याद ऐसे कर सकते हैं। अब आपसे अपने से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो कि मैक्सिला जो है, मैंडिबल जो है, अगर आपसे पूछा एक इंसेक्ट खाने किसी भी फूड को कट कैसे करेगा, किस स्ट्रक्चर से कट करता है, कटिंग कैसे करता है, कट आप एक्स से याद करें, एक्स ये कट रहा है ना, एक तरीके कट रहा है, तो मैक्सिला कटिंग के लिए काम में आते हैं, तो मैंडिबल क्रश करने के लिए काम आते हैं। सेकेंड, लेबियम और लेब्रम, लेबियम और लेब्रम, लेबियम को हम बोलते हैं क्या, लोअर लिप, और लेब्रम को बोलते हैं क्या, अपर लिप। क्या बोलते हैं, लेबियम को लोअर लिप और लेब्रम को अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, लोअर लिप पीछे की तरफ होगा, ठीक है, और लेब्रम अपर लिप आगे की तरफ होगा। तो देखना आगे ऐसे रहेगा, ये पीछे वाला, ये आगे, ठीक है। जब खाना क्रश हुआ तो ये नीचे नीचे वाला जो, ये पीछे वाला जो है, पीछे वाला कौन सा हुआ, लोअर लिप, लेबियम, लेबियम ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक, तो ये घूमेगा तो इस हाथ को कवर कर लेगा और इस खाने को फिर अंदर ले जाएगा। तो ये हो गया आपके दोनों होंठ, अपर लिप और अपर लिप और लोअर लिप, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेव द फूड फ्रॉम, कम आउट फ्रॉम माउथ, खाने को, क्रश किए हुए खाने को वापस बाहर नहीं आने देने के लिए जो वर्क करते हैं वो है लेबियम और लेब्रम। तो अब इस लेक्चर से हम, अब आपको मैं काम की बात बताता हूं, वो क्या है कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट में हमसे क्वेश्चंस यहां बनते हैं, 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल बेसिक याद करें, क्या याद करें, मैक्सिला एक्स कटिंग ऑफ फूड, इसे स्ट्रक्चर को याद करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, पर मेरे हिसाब से आपको इसको थोड़ा माइंड भी करना चाहिए। मैक्सिला कट करने के लिए काम आता है, तो मैंडिबल क्रश करने के लिए काम आता है, ठीक है। लेबियम और लेब्रम इसे याद, इससे कंफ्यूज करता है, लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप और लेब्रम अपर लिप, लेबियम लेब्रम, लेबियम खाने को अंदर लाएगा और लेबियम और लेब्रम दोनों मिलके फिर बाद में उसे अंदर ले जाएंगे, कहाँ, उसके आहार नाल के अंदर। तो ये हमारा पाई पार था कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हमें चार स्ट्रक्चर पढ़नी थी, कौन सी कटने के कारण कटने का काम करती है, मैक्सिला, कौन सी क्रश करती है, मैंडिबल, कौन सी लोअर लिप है, लेबियम, और कौन सी अपर लिप है, वो है लेब्रम। लेबियम एक तरह से जीभ का कार्य करता है, किसकी तरह, जीभ की तरह मान सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये हुआ आज का चैप्टर, और जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिनको नीड है, जो MSc की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी लेवल से, उन्हें ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ के लिए फॉरवर्ड करें, और थैंक यू सो मच।